दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट नेशन 29 में और आप सुन रहे हैं पीयूष कश्यप को। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखी रचना आज़ादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता, आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धर कर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक हैं खानाबदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें ला जाती, हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें ला जाती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहाँ कुचली जाती। इंसान जहाँ बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिसकियाँ भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे कंटों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर कराची ढाका, लाहौर कराची ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसलिए तो कहता हूँ, आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊँ मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वर तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। धन्यवाद। जय हिंद।